नामी कंपनियों की फर्जी बीमा पॉलिसियों के नाम पर भोले भाले लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय ठगों के रिकॉर्ड का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने बिहार के बेगूसराय से आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लोगों को लैप्स हो चुकी पॉलिसी का पैसा वापस दिलाने के नाम से ठगा करते थे। IFSO यूनिट के DCP प्रशांत गौतम के मुताबिक एक शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने बीमा पॉलिसी में फंसा हुआ पैसा वापस दिलाने के बहाने उनसे करीब 2,80,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने पीड़ित से ठगने के लिए लगभग 35 बैंक खातों का उपयोग किया था। मनी ट्रायल और टेक्निकल सर्विलांस से खुलासा हुआ कि यह रैकेट कई राज्यों में फैला हुआ है और कई स्तरों पर संचालित किया जा रहा है। साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि खातों में 40 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन हैं और 100 से अधिक पीड़ितों को रैकेट द्वारा ठगा गया है। आगे की जाँच के दौरान पुलिस को इनपुट मिला और गिरोह बिहार के बेगूसराय में सक्रिय है, इसके बारे में जानकारी मिली। हम लोगों को कंप्लेंट मिली कि कुछ व्यक्ति इंश्योरेंस के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर या पॉलिसी बेचने के नाम पर। ये लोग ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस के नाम पर फ्रॉड कर रहे थे। हमको जैसे ही कंप्लेंट मिली तो हमने एक FIR दर्ज करी। इसमें कंप्लेनेंट के साथ करीब करीब 2.5 करोड़ रुपये की चीटिंग हुई है। तो उस बेसिस पर जब हमने इसमें आगे काम किया तो ये सारा का सारा लिंक बेगूसराय बिहार की तरफ हमको मिला। DCP प्रशांत गौतम ने बताया कि टीम ने आगे अपनी जांच को बढ़ाया और एक सूचना के आधार पर 4 अभियुक्तों को पकड़ा। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि आरोपी पवन कुमार ठगी के पैसे नकद में प्राप्त करता था। आखिरकार बीते 27 अप्रैल को पूरी घटना के मास्टरमाइंड पवन श्याम सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान एक अन्य आरोपी मिथिलेश कुमार को कौशाम्बी UP से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से अलग अलग बैंक खातों से जुड़े 6 मोबाइल फ़ोन, 1113 ATM कार्ड, 117 पासबुक बरामद किया गया है। साथ ही 20 फर्जी बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि ये गिरोह द्वारा नामी कंपनियों की फर्जी बीमा पॉलिसियों के नाम पर निर्दोष लोगों को ठगा करते थे। छः लोगों को अभी अरेस्ट किया है इस मामले के अंदर और इन 6 लोगों से हमको जो रिकवरीज हुई हैं वो ये रिकवर हुआ है कि करीब करीब हमने देखा है कि जो अकाउंट्स हमको अभी तक मिले हैं उनके अंदर 40 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन हैं। हमने इसमें 1091 बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM कार्ड्स रिकवर किए हैं। 56 हमने ब्लैंक पासबुक्स इसके अंदर रिकवर करी हैं जिसके अंदर कोई एंट्री नहीं है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा की है। और ऐसे ही मिलते जुलते चेक बुक्स और दूसरे बैंक के डिटेल्स भी हमने इसके अंदर रिकवर करी है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी पब्लिक है खासतौर से ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट ना करे जहाँ पर वो सिर्फ उन लोगों से ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू या फिर कोई सोशल मीडिया के थ्रू।